अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है जामिया मिल्लिया इस्लामिया एम टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, दिखाऊंगा आपको कट ऑफ इस वीडियो के अंदर। 8 तारीख को दोस्तों इसका रिजल्ट आया था। ये दोस्तों कट ऑफ बहुत अहम होती है, अगले साल के लिए बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको बहुत हेल्प हो जाती है। दोस्तों ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो करनी है आपको नीचे लिखा हुआ है, सब पेपर वगैरह क्या क्या आपको लेके जाना है सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों चलते हैं कट ऑफ की तरफ। आप कट ऑफ की तरफ सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों कट ऑफ देख लें एम टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 30.25, दोस्तों जनरल कैटेगरी में आया मुस्लिम में 20.75, 25.75, 25.75 दोस्तों मुस्लिम ओ बी सी एस टी 22.5, मुस्लिम वुमेन 20.25, जम्मू कश्मीर 19.7। दोस्तों ये वो लोग हैं जो बाहर आके बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि उन्होंने बी टेक कर लिया। आप देखें इसके अंदर जामिया के स्टूडेंट भी होंगे और जगह के भी होंगे, और कट ऑफ देख लें आप 30 मार्क्स कट ऑफ दोस्तों जनरल में ये कुछ ज़्यादा ही कम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही कम है मेरे ख्याल से। 10 नंबर तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही कम है मेरे ख्याल से। खैर चलिए जो भी है दोस्तों, ये स्टूडेंट हैं, अब लिस्ट दिखाता हूँ लिस्ट दोस्तों। ये बच्चे हैं जनरल 10 सीट दोस्तों हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों ये लोग हैं मुस्लिम 6 सीट्स हैं, उसमें मुस्लिम ओ बी सी एस सी 2 सीट्स हैं, मुस्लिम वुमेन 2 सीट्स हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट जम्मू कश्मीर में 1 सीट दोस्तों ये हैं। दोस्तों ये वेटिंग है इनकी सारी, सीट 10 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर नहीं निकाली गई होगी। 36 दोस्तों वेटिंग बल्कि ज़्यादा है, 54 दोस्तों, 57 वेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा निकाली गई है 10 सीट्स के अंदर दोस्तों। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, यहाँ दोस्तों वेटिंग जो है वो निकाली गई है आपके लिए, 36 ये हो गया। और 50 दोस्तों वेटिंग है मुस्लिम ओ बी सी एस टी में, 3 सीट 2 थी, तो यहाँ दोस्तों वेटिंग है आपके लिए 16। मुस्लिम वुमेन 2 सीट्स हैं, 8 वेटिंग है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 2023 का एम टेक जामिया मिल्लिया इस्लामिया कंप्यूटर साइंस। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।